तो जैसे प्रीवियस प्लान था कि आज हम लोग मोटर डिस्कस करेंगे, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। बट मेरे माइंड में आ गया था एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। आप लोग पढ़ भी रहे हैं लेकिन उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कुछ अपने भी तरफ से, कुछ आपके भी तरफ से, कि क्लाउड का इस्तेमाल, ठीक है, कैसे एक रोबोटिक्स के साथ सोचा या समझा जा सकता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पढ़ रहे सर? नहीं, पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो हो सकता है पढ़ लें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? कुछ आइडियाज, रफ आइडियाज यस सर, मैं उसमें शुरू करूंगा और धीरे धीरे हम लोग जो उसके, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा वो एक फैला हुआ उसका ये है, लेकिन फिर भी एक इतना तो जानकारी आपको मिल ही जाएगा कि एक्चुअली वो क्या है और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और काम क्या हो रहा है। सर क्लाउड बेसिकली मीन्स जस्ट लाइक अ डेटाबेस, सर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन रिट्रीव आवर डेटा स्टोर्ड ऑन द क्लाउड और वी कैन मैनिपुलेट विद द डेटा स्टोर्ड ऑन द क्लाउड। एज सर इन नाउ डेज सर देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज जनरेटेड एवरी सेकेंड। सो फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग दैट डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सर एंड सर मेनी कंपनीज प्रोवाइड। ओके, तो इसका मतलब है कि क्लाउड के पहले डेटा प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहे थे। हो रहे थे सर, बट एक्चुअली में सर कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि सर इस अभी सर बहुत ज्यादा डेटा हम लोगों का जनरेट होता है सर, एवरी सेकेंड और एवरी मिनट सर डेटा बहुत ज्यादा जनरेट होता है सर, इसके ठीक उसको ठीक हैंडल करने के लिए सपोज सर। आई एम अ कंपनी एंड आई रियलाइज दैट कि मेरा जो डेटा कैपेसिटी है वो डे बाय डे बढ़ गया है, ठीक है, यस आज के सर, डेट में इसकी नीड ज्यादा आ गई है, तो मैं तो ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लूँ, अपने स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा लूँ। तो सर उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा है ना सर, एक वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, उसमें एक्स्ट्रा मशीनरीज का हमको जरूरत पड़ेगा सर। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, और अगर हम एक वेयर हाउस बनाए हुए हैं जहाँ पे हम डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चला जाए सर तो पूरा का पूरा डेटाबेस तो पहले सर ठप पड़ जाएगा। उसी के साथ साथ सर अगर कोई सर अगर कल्प्रिट है या जिसका दिमाग इलेक्ट्रिसिटी का वो ऐसी व्यवस्था होगी तो हम उसके व्यवस्था करेंगे, इन्वर्टर रखेंगे, जनरेटर रखेंगे, ऑटो जनरेटर रखेंगे, सोलर सिस्टम रखेंगे, कुछ तो हम प्लान बनाएंगे। हाँ एक और प्रॉब्लम है सर इसमें। सर उसमें ये भी हो सकता है सर कि अगर एक, क्योंकि सर यहाँ पे डेटाबेस जो जहाँ पर भी हम मेंटेन करेंगे सर, हो सकता है कि कोई एक पर्सन आकर के उसको डिस्टर्ब कर दे, मतलब कुछ मेरे डेटा को, प्रीसियस डेटा को स्टोर कर ले, स्टील कर ले, तो वो भी एक प्रॉब्लम वहाँ पे जनरेट हो नहीं सकता है सर रखेगा, उस हम मान क्लाउड। लीजिए हम खुद का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना लिए हैं, ठीक है, जस्ट अ हम खुद ब्लॉक। का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तैयार किए हैं, लेट, ठीक है, हमारा खुद का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चल रहा है, तब तब आपने जो कहा वो हम मान लिया, हमारा खुद का नेटवर्क है, लाइक है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रेलवे एक सर्वर पे काम कर रही है, मल्टीपल नो सर, मल्टीपल सर्वर्स। सर्वर, ठीक है, तो उसके मल्टीपल डेटाबेस सर्वर होंगे, ठीक यस सर, है, रेलवेज ने अपने सुविधा अनुसार जहां जहां उसका सेंटर पॉइंट है वहां वहां वो डेटाबेस सर्वर एस्टेब्लिश किया होगा, मेन लोकेशन मान लीजिए मुंबई दिल्ली कहीं उसका मुख्यालय होगा, उसको सब सबको अपने मेन सर्वर से जोड़ लिया, काम हो गया। बैंक ठीक है, वो सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम पे काम करेगा, नो सर, सेंट्रलाइज्ड मैंने वर्ल्ड तो कंजेशन तो डिस्ट्रीब्यूट, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने पॉइंट से लेके आप क्लाउड के बारे में आए हैं, क्लाउड का इंपोर्टेंस कहाँ जाता है, ये तो पहले भी था, ये तो पहले भी था, और आपने कहा कि डाटा का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं वॉल्यूम बढ़ रहा हूँ, ठीक है, पहले हम लोग नॉर्मल देखते थे, उसके बाद एसडी का कंसेप्ट आया, फिर
एसडी का कंसेप्ट आया, फिर फुल एसडी का कंसेप्ट आया, फिर 4K का कंसेप्ट आया, 6K का कंसेप्ट आया, 8K का कंसेप्ट आया, आ रहा है ना। यस सर, तो जितना पिक्चर के क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, डेटा का वॉल्यूम साइज उतना क्या होता होगा, बढ़ता बढ़ेगा जाएगा। सर, जाहिर बात इंक्रीज। है, ट्रांसमिशन करने के लिए भी हमको ताकत ज्यादा चाहिए, फास्ट हमको ये करने वाला स्विचेज होनी चाहिए, रूटर्स होनी चाहिए जो ट्रांसमिशन फास्ट से फास्ट करे, नेट की स्पीड ज्यादा चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए सर। इसमें कोई शक नहीं है, चाहिए। लेकिन वो स्टोरेज तो रेलवे भी बढ़ा सकती है, बैंक भी बढ़ा सकती है, सब बढ़ा सकती है, ठीक है। तो फिर क्लाउड का कंसेप्ट क्यों आया? सर रिमोट एक्सेसिंग के लिए सर, रिमोट एक्सेसिंग, रिमोट एक्सेसिंग सब कर रहा है। इसमें भी हो रहा रेलवे है। रिमोट एक्सेसिंग नहीं है, बैंक रिमोट एक्सेसिंग नहीं है, आप एटीएम लेके बॉम्बे से पैसा निकाल लेते हैं, अकाउंट बिहार का है, रिमोट यस सर, एक्सेसिंग नहीं हो रहा है, यस सर, हो रहा है। ठीक है। देखिए, कहने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, लेकिन काम तो वो सेंट्रलाइज ही करता, यस सर, ठीक है। सिर्फ एक सेंट्रलाइज सर्वर के लोड को एक ही पे हमेशा लोड भार ना पड़े, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट बना देते हैं कि बिहार का डाटा बिहार में रह जाए, यूपी का डाटा यूपी में रह जाए, ठीक है, एमपी का डाटा एमपी में रह जाए, और सब मुंबई वाले मुख्यालय से जुड़ जाए, ठीक है। हम जब रेस्पॉन्ड करें, बिहार, हम बिहार में हैं और बिहार में रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो पहले सर लोकल सर्वर में जाके डाटा को सर्च कर रहा है, मिल जा रहा है अपडेट कर दे रहा है, नहीं मिल रहा है तो सीधे मेन मुख्यालय को कर रहा है कि हम बिहार वाले में यूजर जो है वो एटीएम बिहार में यूज कर रहा है, उसका डाटा बिहार वाले सर्वर में नहीं मिल रहा है, तो वो मेन सर्वर जो है वो सबको रेस्पॉन्ड कर रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर डाटा है, तुम सब अपने सर्वर में खोजो और जहां मिल जाए हमको तुरंत बताओ, ठीक है। कहीं से मिल जा रहा है, ठीक है, आपका पैसा निकाल दे रहा है, वहां के डेटाबेस को मेंटेन कर दे रहा है, अपडेट कर दे रहा है, काम हो जा रहा है। तो कहने के लिए है डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन ये भी तो वर्क एक सेंट्रलाइज की तरह ही कर रहा है, ये पहले से ही है, ठीक है। हमें समझना है कि क्लाउड क्या है, क्लाउड सिर्फ इस एक सोच के साथ ही बनाया गया हो ऐसा नहीं है, नहीं, अनडाउटली इसमें यह भी सोच शामिल है, लेकिन सिर्फ यही एक वजह है क्लाउड के आने का, तो वो वजह सिर्फ उसी को हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि यही एक वजह है क्लाउड के आने का, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट द क्लाउड सिस्टम, ठीक है। जैसे पहले ये सोचा गया कि ऑब्वियसली भविष्य में डेटा वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन के लिए, ठीक है, डेटा की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग पावर भी बढ़ता जाएगा, वो बेहतर से बेहतर चीजों में जाएगा, बेहतर से बेहतर जितना करेगा डेटा का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये तो शुरू से हुआ था। तो चीजें कैसे हैंडल होगी, ठीक है, तो हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा बढ़ा के हैंडल करेंगे, ठीक। परंतु हर चीज मतलब एक अनडिफाइंड रिसोर्सेज का हो ऐसा नहीं, रेलवे की भी अपनी अगर रिसोर्सेज है तो वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है रेलवे की। एवरीबॉडी, यस सर, बैंक की भी जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो रेलवे अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकती है, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद उसके पास जगह नहीं होगा रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, लेकिन डाटा की डिमांड उसकी और ज्यादा रहेगी, चलती रहेगी। बैंक की भी एक सर्टेन रिसोर्सेज होगी बढ़ाने के लिए, बढ़ा भी रही होगी, ठीक है, बढ़ाती भी होगी, हम मान रहे हैं अभी भी कर रही होगी ऐसे, लेकिन एक समय के बाद उसके पास रिसोर्सेज नहीं होगा। मान लीजिए कि पटना में किसी बैंक का सर्वर बना हुआ है, उस सर्वर के लिए, ठीक है, उसको मान लीजिए 2 कट्ठे का एरिया मिला हुआ है, तो वो 2 कट्ठे तक में तो अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड कर सकता है, सर्वर को एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकता है, उससे ज्यादा एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो 2 कट्ठे के बाद उसको नहीं है, तो या तो जमीन खरीदना होगा, ठीक है, यही ना उपाय है कि या तो यस जमीन सर, खरीदे, नया रिसोर्सेज बनाए, फिर नया करें, ओके। इसमें क्या होगा कि आज से 20 साल पहले शुरू किया था, आज 20 साल बाद जमीन खरीदने जा रहा है, तो वो कई गुना क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, महंगा सर, महंगा, ठीक है। तो कंपनी सब चीज ऐसे ही थोड़ी आंख बंद कर थोड़ी काम कर लेगी,
कहेगी कि जितना हम इनकम ना करेंगे उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, कंपनी कहाँ चली जाएगी, लॉस घाटे में चली जाएगी। ठीक है, इन फैक्टर्स को कुछ बड़ी कंपनीज पहले से ही रियलाइज कर रही थी, यानी आज से 10-15 साल 20 साल पहले ये रियलाइज कर रही थी। ठीक है, कि लोग बढ़ाएंगे लेकिन ये जो रिसोर्सेज बढ़ाने का जो तरीका होगा वो अपने एक लिमिटेशन तक, जब तक प्रॉफिट में आएंगे तब तक वो बढ़ाएंगे, एक समय ऐसा आएगा ठीक है कि वो प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, उनकी खर्च बढ़ जाएगी। ठीक है, पता चला इनकम कम हो गया, खर्च ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वहां पे कंपनी अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के बजाय कोई और वजह ढूंढेंगी, कोई और व्यवस्था ढूंढेंगी जो सस्ते में काम को अकम्प्लिश कर रहे हो जाए। ठीक है, इन्हीं सस्ते की वजह के लिए ठीक है कुछ कंपनीज, हालांकि क्लाउड का कंसेप्ट जो है वो दिया हुआ तो एप्पल का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पता है कि नहीं? क्लाउड जो कंसेप्ट है इसका ओरिजिनेट, इसका इनिशिएट करने वाली जो कंपनी है, पहली कंपनी है वो कौन है? एप्पल। एप्पल जो अपने डिवाइसेस को लेके आया उसके साथ, ठीक है, आज भी उसके सारे डिवाइस क्लाउड से ही जुड़े रहते हैं। मतलब सर वो उसके डिवाइस का डेटा को उसके यूजर्स जो हैं वो एप्पल के क्लाउड पे रख सकते हैं? रख सकते हैं, ठीक है, एप्पल क्लाउड से ही कॉन्फ़िगर होता है, आप स्टार्ट करते हैं ना, यस सर, तो क्लाउड से ही कनेक्ट कराता है आपको, वहीं से पिन ओन आपका जो है वो वेरीफाई करता है। नो क्लाउड कनेक्टिविटी नो मीनिंग ऑफ मोबाइल फोन, नो मीनिंग ऑफ एप्पल मोबाइल फोन। जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा ना, आपके उस एप्पल का कोई वैल्यू नहीं है। तो सर उसके लिए तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होगी ना सर? इंटरनेट जैसे तो सर एप्पल का क्लाउड से जैसे आप बताएं कि उसको इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो सिम कनेक्शन है ना, अरे इंडिया में चला रही है तो सारी कंपनी के साथ उसका टाई अप होगा ना, एग्रीमेंट होगा ना? यस सर। ठीक है, कंपनी कहीं ना कहीं उसको फैसिलिटेट कर रही है ना कि आप हमारे नेटवर्क के द्वारा अपने डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, सिम तो है ना, ठीक है, आप चलाए तो सिम से तो स्टार्ट हुआ ना, सिम कंपनी के साथ जुड़ा ना, कंपनी एप्पल से जुड़ी हुई है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, तो वहां से कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन है। तो ये कंसेप्ट ओरिजिनेट करने वाला तो अनडाउटली कौन है? एप्पल है। लेकिन इसका पब्लिक मार्केट बनाने में जो पहला दिमाग लगाया वो अमेज़न रहा। कौन रहा? अमेज़न। ठीक है, यानी इस स्टोरेज, इस क्लाउड का पब्लिक मार्केट हम गेन करें, उस पर वर्चस्व स्थापित करें। इसमें एप्पल इनिशिएट करने के बजाय इसमें कर गया कौन? अमेज़न। माइक्रोसॉफ्ट गूगल भी नहीं कर पाया, अमेज़न। अमेज़न ये 15-20 साल पहले ही ये दिमाग सेट कर लिया था और उसने कहा, उसने कुछ नहीं किया, जहां जहां जिस जिस कंट्रीज में उसको रिसोर्सेज अवेलेबल होते गए वो अपना स्टोरेज सिस्टम बनाना चालू कर दिया सर। ठीक है, और पूरे दुनिया में वो अपना स्टोरेज सिस्टम बना के उसका एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? नेटवर्क सर। इवन ठीक है कि कुछ सैटेलाइट जो लॉन्च की गई हैं, उन सैटेलाइट में भी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो भी स्टोरेज कैपेसिटी उसके पास है। आपको पता है कि नहीं कि सैटेलाइट में स्टोरेज जो भेजी जाती है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है? नो सर। नहीं पता है? आपका किसी को आइडिया नहीं है? नोबडी। नो सर। ठीक है, तो आप सैटेलाइट के बारे में सर्च कर लीजिएगा कि सैटेलाइट हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी और नॉट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इस बात में। ठीक है, और बहुत सारे सैटेलाइट ऑलरेडी ठीक है डेटा स्टोरेज कैपेसिटी के साथ, बहुत ह्यूज अमाउंट में नहीं होगा लेकिन वो ले जाती है, उनका एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, और कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज इस सैटेलाइट का इस्तेमाल, बैंक्स कुछ कर रही हैं, इंडियन बैंक कर रही है, हमको याद आ गया अभी, ICICI। ठीक है, कई बैंक होंगी लेकिन ICICI तो 100% डिटो हमको पता है। ICICI अपने डेटा को
अर्थ पे रखने के साथ साथ क्लाउड के माध्यम से वो अपने डेटा को कहां रखती है? सैटेलाइट। ठीक है, मरते मान लीजिए कि अर्थ पे तो भूचाल आ गया तो डेटा तो लॉस कर जाएगा। यस सर। सैटेलाइट में तो डेटा रहेगा ना। यस सर। ठीक है हाँ। तो सर ये सर जो ऐसे ऐसे बैंक है हाँ, तो सर इनका सैटेलाइट सर इसरो ही भेजता होगा ऊपर? डिपेंड करता है कि ये किनके सैटेलाइट इसरो कहीं लिए होंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये नासा के द्वारा जो छोड़ा गया है वो यूज करेंगे, और कोई कंट्री के द्वारा छोड़ा गया सैटेलाइट होगा वहां का जो स्टोरेज होगा वो भी यूज कर सकता है। लेकिन चूंकि देश का स्वदेशी खुद से सैटेलाइट है, खुद स्टोरेज कैपेसिटी है, तो जाहिर बात है ये इसरो के हेल्प से लिए होंगे। इंडिया में तो वही भेजता है ना पूरा? हाँ हाँ बिल्कुल वही देखता है। इंडिया क्या है, बहुत सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज है सब उसी पे चलते हैं, इंडियन सैटेलाइट पे ही काम कर रहे हैं। इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम अभी बहुत स्ट्रांग है वर्ल्ड में, पता है? अगर वर्ल्ड में नासा के बाद किसी का नाम है तो इसरो का नाम है, और कभी कभी इसरो को नासा के बराबर भी समझा जाता है। तो आप इसरो को बिल्कुल बिल्कुल आप अंडर एस्टिमेट इसरो को लेके ना करेंगे। ठीक है, इसरो इज अ वेरी वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। ठीक है, और पहला अगर देश में कोई पहला गर्व दिलाया और आगे और दिलाता भी रहेगा, ठीक है, सबसे आगे बढ़ चढ़ के, तो उसमें पहले इसरो ही आगे निकला है। यस सर, मिशन मंगल। ठीक है, वही आगे निकला है और बहुत चीज है आजकल, वो बहुत प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वैसे तो आप आर्म्स में भी आज के डेट में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सुने हैं कि इंडिया में बहुत सारी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की आर्म्स जो है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या शुरुआत हो रही है। हाँ, डीआरडीओ तो उसमें बहुत आगे निकल चुकी है वो भी। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे देश को भी बेच रहा है सर। हाँ, एक्सपोर्ट। हाँ, तो ये सब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, यही सब आगे करता है कंट्रीज को। ठीक है, जैसे आपका इंफोसिस, टीसीएस, ठीक है, जो कंपनीज है स्वदेशी आईटी कंपनीज है जो पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा फहराई हुई है कि जाके सॉफ्टवेयर डेवलप करती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ठीक है, वैसे ही ये भी है। तो कंट्री ऐसे ही, कंट्री का नाम कैसे होता है, लोग कैसे जानेंगे आपको, कैसे आपको ऊपर रखेंगे, अरे तेरी तो यहाँ तो ये चीज बनता है, यहाँ तो ये चीज होता है, ऐसे ही ना लोग आपको एस्टिमेट करेंगे। ये तो पहचान होगा स्ट्रांग। यस सर, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो खैर डेविएट नहीं होते हैं, कम टू द पॉइंट। वहां पे तो क्लाउड में आपका कुछ बैंक्स भी है जिसमें आईसीआईसीआई है जो क्लाउड में भी डेटा को रखती है। ठीक है, अपने सेफ्टी व्यू पॉइंट से, हो सकता है उसके खर्च ज्यादा पड़ती होगी उसमें, पर फिर भी वो अपने सेफ्टी व्यू पॉइंट से डाटा का बैकअप क्लाउड में वो रखती है, सैटेलाइट में वो रखती है, ताकि अगर अर्थ पे डेटा अगर वैनिश भी हो जाए किसी भी वजह से तो हम उसे कहां से रिकवर कर सके? सैटेलाइट से रिकवर करें। ठीक है, तो अमेज़न ये प्रयास को 15-20 साल पहले समझा और इसमें लग गया, और पूरे दुनिया में काफी बड़ा, उतना बड़ा अभी किसी का नहीं है, गूगल का भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का भी नहीं है आज के डेट की बात करें तो। ठीक है, सबसे बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो नेटवर्क बना वो किसका बन गया? अमेज़न। ठीक है, और चूंकि जैसे बादल पूरे आसमान में चारों तरफ फैले रहते हैं, ठीक है, वैसे ही उसका नेटवर्क भी इस दुनिया में इस अर्थ पे क्या है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो वो इस कंसेप्ट को नाम दिया, दिस इज द क्लाउड स्टोरेज सिस्टम या क्लाउड कंप्यूटेशन। ठीक है, पहला तो पर्पस यही था उसके सोच का कि भविष्य में लोगों की रिसोर्सेज बढ़ाने में एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है, और उनकी खर्चे कमी होंगी, तो वो अपने रिसोर्सेज के एक्सपेंसेस को बचाने के लिए और रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, बजाय वो अपने सेल्फ रिसोर्स को बढ़ाने के बजाय, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई हम आप ही से जुड़ जाते हैं और आप हमको स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कर दीजिए, हम एक नॉमिनल अमाउंट में उनको स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आज इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो अमेज़न पे जुड़ के सारी काम करती है। ठीक है, वो जो हम लोग कहते हैं LMS बोलते हैं ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस जो है
अपनी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किसके थ्रू जुड़ के काम करती हैं? Amazon. ठीक है, हम उस पे आते हैं। तो इस तरह से Amazon, ठीक है, Amazon अब हम लोग समझते हैं Amazon.com जो खरीद बिक्री वाला है, जैसे Flipkart है, वैसे Amazon है। Amazon उसी से बहुत पैसा बना लेता होगा। Amazon तो मोस्ट ऑफ टाइम घाटा में रहता है, पता है आपको? Amazon जो e-commerce है, ठीक है, जो उसका साइट, मोस्ट ऑफ टाइम घाटा में रहता है। कभी प्रॉफिट में चला गया वो अलग की बात है, ठीक है। वो तो कभी कभी क्या होता है कि 30,000 का मोबाइल वो 14,000 में बेच देता है। ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो Flipkart तो बेच दिया ना उसको, क्या नाम है, वॉलमार्ट को सर। यस सर, वॉलमार्ट भी बहुत बड़ा बादशाह है वो भी, ठीक है। अगर नहीं बेचता तो उसका हालत खराब हो जाता, कर्जे बहुत चढ़ जाते उसको, तो बेच के बेचारा निश्चिंत हो गया, ठीक है। और वॉलमार्ट इतनी बड़ी कंपनी है कि 2-4-5-10 साल के घाटा से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेजोन को भी नहीं पड़ने वाला है, और अमेजोन उस पे उतना फोकस करता ही नहीं है। वो तो मेन उसका क्लाउड है, वो उस पे फोकस किया हुआ है, और क्लाउड में तो उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उतना प्रॉफिट तो कोई आज के डेट में बना भी नहीं रहा है, इवन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं बना रही है जितना अभी अमेजोन आज के डेट में बना रहा है। आप सर्वे डाटा ये सब सर्च कर लीजिएगा, गूगल से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया कि इस कंसेप्ट को लेकर वो पूरी दुनिया में अमेजन छाई हुई है। हालांकि इनको देख के कंपटीशन के मार्केट में आज के डेट में गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज हैं। क्लियर? यस सर, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो पहले उतर जाता है, ठीक है, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, और उसको फाइट करने में बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसको जल्दी पछाड़ना इतना आसान बात नहीं होता, नहीं होता। जैसे याहू नंबर वन सर्च इंजन था कभी, लेकिन याहू को सडनली गूगल ने क्रॉस कर गया ना जी। अब गूगल जब से नंबर वन सर्च इंजन बना है, तब से आज तक गूगल को कहां कोई बीट कर पाया, ठीक है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि कभी बीट ना हो पाएगा, ठीक है। ये तो एक कंपटीशन का मार्केट है, ठीक है। आप सोच रहे हैं हमको बीट करने के लिए, तो हम भी अपने आप को फास्ट से फास्टेस्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए, ठीक है। जिस दिन हम जरा सा भी थक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर? ओके। अमेज़न को क्लाउड बनाने के पर्पस में, क्लाउड स्टोरेज जो बनाने का पर्पस था, वो सिर्फ ये नहीं था कि दूसरे को हम एक सर्टेन अमाउंट लेके उसको स्टोरेज कैपेसिटी पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करें या करते रहे, ये तो एक उसका था ही। उसने ये रियलाइज किया कि हम इतने बड़े वर्ल्ड में इतना स्टोरेज की हम कैपेसिटी बढ़ा दिए हैं कि हम लोगों को इस स्टोरेज कैपेसिटी के साथ लोगों को हम सॉफ्टवेयर भी मुहैया करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? सॉफ्टवेयर सर, ठीक है। हम माइक्रोसॉफ्ट को कहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट जितने आपके पेड सॉफ्टवेयर है ना, वो सब मेरे को दे दो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का हम तो बेचते हैं मार्केट में, हम बेचेंगे, ठीक है। इस तरह का हम लोग बना लेते हैं कि 5 साल का लाइसेंस होगा, ठीक है। एमएस ऑफिस का हम 500 लेंगे, ठीक है, 200 हम रख लेंगे, 300 तुमको दे देंगे। माइक्रोसॉफ्ट भी सोचा कि इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। एक तो जेन्युइन यूजर भी हो जाएगा, यूजर को भी जेन्युइन चीज मिल जाएगा, और प्लस जो पायरेसी करके हमको नुकसान हो रहा था वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। किसी कंपनी को इस पे आपत्ति नहीं हुई, ठीक है। धीरे धीरे ये हुआ कि इस क्लाउड के माध्यम से हम क्लाइंट को सॉफ्टवेयर भी मुहैया कराएंगे, ठीक है। लेकिन जब प्लानिंग ये हुआ था, उस समय ब्रीचेस क्या था इन चीजों को करने के लिए, कि अगर हम क्लाउड के जरिए सॉफ्टवेयर यूजर तक पहुंचाते हैं तो उसका माध्यम तो एक ही बनेगा, और वो इंटरनेट होगा। क्या होगा? इंटरनेट सर, इंटरनेट। और इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, पहले 2G था, उसके बाद 3G है, कि वो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करे और उस पे इजीली, जैसे एक कंप्यूटर पर बैठ के आप काम करते हैं,
उसी तरह से आसानी से वो कंप्यूटर पे बैठ के क्लाउड के माध्यम से काम कर ले उस स्पीड में, ठीक है। लेकिन अमेज़न ये भी जान रही थी कि ये भले आज नहीं चलेगा लेकिन एक समय इंटरनेट भी काफी क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, नहीं नहीं फीका नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, फास्ट इंप्रूव, फास्टेस्ट हो जाएगा। 4G से आप किसमें अब जा रहे हैं, 5G, और 5G तकरीबन कई गुना फास्टेस्ट है 4G के अपेक्षा में। यस सर। और 5G को लोग पूरी दुनिया जो है एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख रही है, ठीक है, काम के व्यू पॉइंट से, कि 5G में जो स्पीड है उस स्पीड से, ठीक है, हम एक कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम करा सकते हैं, कर सकते हैं आसानी से, ठीक उसी तरीके से जैसे एक नॉर्मल PC को खोल के हम काम करते हैं, वो स्पीड हमें 5G पे। हाँ सर, दूसरे कंट्रीज में 5G लॉन्च है कि नहीं सर? इंडिया में हो गया सर। इंडिया में शायद एयरटेल इस लोग को मिला अभी, कम्प्लीटली लोग नहीं किया है, हमको लग रहा है ट्रायल वायल में होगा तो होगा। मतलब सर चाइना में 5G चल रहा है, चाइना में चल रहा है, जापान कोरिया, जापान में चल रहा है, आई थिंक साउथ कोरिया में भी चल रहा है, इंडिया में भी आया सर, दिल्ली मुंबई में हो गया है। ये न्यूज मेरे पास नहीं है, ट्रायल की न्यूज थी मेरे पास कि ट्रायल के लिए तो सबको दिया गया है मौका कि आप सब करिए 5G पे, इवन जियो को भी दिया गया है, एयरटेल को भी दिया गया है, सबको दिया गया है तकरीबन, ठीक है। अगर कोई आ गए हैं इसमें इनिशिएट कर दिए हैं तो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, हो सकता है कि वो लोग चला भी रहे होंगे लेकिन गवर्नमेंट परमिशन अभी नहीं है हमको जहां तक है, ठीक है। दो तरह से होता है, पहले एक चला के ट्रायल किया जाता है, जैसे 4G आया था शुरुआत में तो आपको फ्री पैकेट दे रहा था लाइफ के मोबाइल के साथ, तो पहले ट्रायल में वो था, एक डेढ़ महीने दो महीने ट्रायल में था, तब गवर्नमेंट लाइसेंस दी तो पब्लिक हुआ तो सिम बिकना शुरू हुआ, पहले ऐसे ही सिम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। yes. ठीक है, तो वैसे ट्रायल में होगा तो हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा पब्लिश नहीं है कि कोई 5G अभी लॉन्च होने वाला है और उसके सिम हम जाएं खरीदें, उससे मोबाइल खरीदें और 5G हम यूज करें, अभी तक ऐसा नहीं है। आप लोग, हो सकता है कि कहीं पढ़े हो, कोई इनिशिएट किया हो तो अलग की बात, 2 साल में हो सकता है आ जाए सर। 2022 चल रहा है ना, 2022 लास्ट या 2023 में ही प्लान है कि 5G कोई कंपनी एक लेके आ जाएगी, अब जियो आ जाए या एयरटेल आ जाए, जो भी आ जाए इसमें, ठीक है। मेरे को लग रहा है इसमें एयरटेल शायद लीड कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि एयरटेल एकदम खामोश है, इसका मतलब कि अंदर अंदर कुछ काम चल रहा है उसका, ठीक है। तो हमको लग रहा है एयरटेल ही लॉन्च करेगी सबसे पहले, ये मेरा अपना पर्सनल एजम्पशन है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। तो ये हुआ, ठीक है, ये हुआ कि स्पीड जैसे बढ़ेगा, ये क्लाउड में जो सॉफ्टवेयर का मैकेनिज्म है, जो सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट है, वो भी आ जाएगा। अब यूजर लैपटॉप खरीदेगा, उसके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं है, वो सब लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्लाउड से जुड़ेगा, ठीक है, अमेज़न के क्लाउड से जुड़े, गूगल के क्लाउड से जुड़े, जिसके भी क्लाउड से जुड़ेगा, ठीक है, उस क्लाउड में स्टोरेज तो उसको मिलेगा ही, फ्री स्टोरेज मिलेगा, बढ़ाना होगा तो कुछ पैसा देना होगा, बढ़ जाएगा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, ठीक है, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, कुछ पेड सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, लाइसेंस्ड होंगे और वो सालाना 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे बेसिस पे आप उसको परचेस कर सकते हैं एक नॉमिनल अमाउंट देके, ठीक है, उससे आपका लाइसेंस्ड भी रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको विजुअल स्टूडियो, हम क्यों जाएंगे 4,000 देके खरीदने के लिए, 400 रुपये में हमको 1 साल के लिए दे रहा है, ठीक है, या 300 रुपये में 1 साल के लिए दे रहा है, हमको 1 साल का ही काम करना है, 1 साल के लिए लाइसेंस खरीद लिए विजुअल स्टूडियो, अपना प्रोजेक्ट तैयार किए भेज दिए, ठीक है, आपको भी दिक्कत नहीं, उसको भी दिक्कत नहीं और कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है, पॉइंट क्लियर, ठीक है। स्पीड बैरियर था, इवन 4G भी थोड़ा बहुत बैरियर है, 4G स्मूथ नहीं है इन सब कामों के लिए, ओके, 5G में ये किया गया है कि 5G में ये सारी चीजें निकल जाएंगी, ओके। ये क्लाउड कंप्यूटेशन का दूसरा सोच था कि हम क्लाउड के माध्यम से, ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर यूजर्स तक, क्लाइंट तक पहुंचा दें, क्लाउड चाहे अमेज़न हो, क्लाउड चाहे गूगल हो, कोई भी हो, ठीक है। अब हुआ कि जब यूजर को हम सॉफ्टवेयर पहुंचा दे रहे हैं तो यूजर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में एक नेटवर्क है, ठीक है, उसके 150 इम्प्लाइज हैं, ठीक है, 500 इम्प्लाइज एक नेटवर्क में होकर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लाउड ने कहा
कि आई विल प्रोवाइड अ नेटवर्क ऑल्सो. मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगा? नेटवर्क. नेटवर्क ठीक है. और मेरे पास तो क्योंकि मेरा तो पूरे दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है ठीक है, उसमें सब है. कैपेसिटी क्या होगी नेटवर्क की? सर्वर बनाएंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए ठीक है, ये आप डिसाइड कर लीजिए. आई विल प्रोवाइड द पावर ऑफ i3, आई विल प्रोवाइड द पावर ऑफ i5, आई विल प्रोवाइड द पावर ऑफ i7 ठीक है, आई विल प्रोवाइड द पावर ऑफ मेन फ्रेम. सबकी चार्जेज अलग अलग है, आपके कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उसके नंबर ऑफ यूजर्स के मुताबिक ठीक है आप नेटवर्क बनाइए और सर्वर का चुनाव कर लीजिए, उसी के अनुसार आप पैसा पे भी कर दीजिए. सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया सर. नहीं आया ठीक है, बिल्कुल सही. आप मान लीजिए कि सीमेज कॉलेज में सपोज कीजिए कि 20 कंप्यूटर चल रहे हैं, 200 कंप्यूटर पे काम हो रहा है ठीक है, तो ये काम एक दूसरे से जुड़ के हो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? नेटवर्क में ले आएंगे सर. सर नेटवर्क ले आए, ये नेटवर्क सारे डेटा सेंट्रलाइज हो या सर्विसेज जो है वो सेंट्रलाइज मेंटेन हो, तो आप किसका कंसेप्ट बनाएंगे? सर्वर का. सर्वर का. क्या सर्वर जो नॉर्मल कंप्यूटर दिखता है उन्हीं में से एक हो सकता है? हो सकता है. पावर. यस सर. हो सकता है पर वो चलेगा नहीं. नहीं पावरफुल. हम अपने कंप्यूटर पे 2-4 कंप्यूटर का लोड डालने शायद काम कर जाए, लेकिन 10 कंप्यूटर का लोड डालेंगे ठीक है, तो ये हो सकता है कि नहीं करने दे, डेडलॉक बना दे, बार बार हैंग करने लगे. मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर. तो अगर हमें सर्वर बनाना है तो आई हैव टू परचेज अ सर्वर कंप्यूटर जो 1.5-2 लाख मार्केट में अलग अलग वैल्यू की मिलती है. आप वैसे भी अमेजन पर टाइप कीजिएगा ठीक है, एचपी का सर्वर कंप्यूटर, डेल का सर्वर कंप्यूटर, तो आ जाता है 1.5-2 लाख-3 लाख कॉन्फ़िगरेशन पे दिखाता है वो आपको ठीक है. हर एक में नंबर ऑफ कैपेसिटी, यूजर्स की कैपेसिटी रहती है, कितने आप जोड़ सकते हैं, आप उस अनुसार करके बना लेंगे. लेकिन आप इसमें 2-3 लाख रुपया जो फंसाएंगे अमेजन और गूगल का, ये क्या जरूरत है ठीक है? आप मेरे नेटवर्क से जुड़ जाए ठीक है, आपकी एक आईडी हम दे दे रहे हैं, आपको नेटवर्क बनाना है ठीक है, आप नेटवर्क में कितने क्लाइंट्स को जोड़ना चाहते हैं, तो मेरे 50 इम्प्लाई है, 500 इम्प्लाई का आईडी दे देते हैं, वो आईडी आपके मेन आईडी से जुड़ा रहेगा ठीक है. और आपको इस क्लाउड में एक स्ट्रेंथ दे देते हैं, सर्वर स्ट्रेंथ. अब आपको क्या चाहिए? तो ये 50 के लिए मेरा i7 से काम निकल जाएगा और 16 GB रैम से मेरा काम निकल जाएगा, तो ठीक है हम आपको i7 का पावर दे देते हैं सर्वर में, 16 GB कैपेसिटी दे दे रहे हैं, ग्राफिक्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा. बात आप समझे? यस सर. ओके, अब आप कनेक्ट किए तो आप तो सर्वर बन गए, आपका आईडी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है उसके आईडी क्या बन गया, एक तरह से सर्वर वैल्यू का हो गया ठीक है, वो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट हो रहा है. और जो दूसरे क्लाइंट के जो आईडी मिली हुई है ठीक है, वो भी जब कनेक्ट होगा उस क्लाउड में, तो क्लाउड में कहीं और नहीं जाएगा, वो सीधे आपके नेटवर्क वाले एरिया में जाके कनेक्ट होगा. ओके, और जो भी काम हो रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर आपके सर्वर में मौजूद है, वो सारे क्लाइंट को मिल रहा है, वो सारे क्लाइंट काम कर रहे हैं, डेटा आपके सर्वर में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, आप ऑनर हैं, आप लॉग इन कीजिए, जो काम करना है काम करिए, जो भी आपको सिक्योरिटी डिफाइन करना है सिक्योरिटी डिफाइन कीजिए, किसी को लॉक करना है लॉक कीजिए, किसी को अनलॉक करना है अनलॉक कीजिए. मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? नेटवर्क का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो ना करेगा सर ये सब काम, उसके वही, वही, पे जाना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर ऑनर खुद बनेगा या किसी को बनाएगा, यही ना करेगा? यस सर. लेकिन जो 2 लाख का आप एक्सपेंस कर रहे थे वो मात्र 30-40 हजार रुपया खर्च करके क्या हो गया, निकल गया, तो कंपनी को भी क्या घाटा है ठीक है. ओके, सिक्योरिटी कंसर्न है, एक ये हुआ कि दूसरे का ले रिसोर्सेस, तो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है ठीक है. तो सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, आजकल तो ऐसे ऐसे सिक्योरिटी आ गए हैं कि कहा कि आप सिक्योरिटी सिस्टम खुद ही डिफाइन कर लीजिए, वो मुझे भी नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि एल्गोरिथम क्या कर रहा है, पर आपने क्या दिया और ये एल्गोरिथम उसको कैसे कन्वर्ट किया ये तो मुझे भी नहीं पता है. और इसको पता करने में ठीक है, मैं तो दूर की बात हूँ, रोबोट भी लगाऊंगा तो 100-150 साल को उसको डिकोड करने में लग जाएगा ठीक है. तो सिक्योरिटी सिस्टम जितने भी क्लाउड कंपनीज हैं सब उम्दा सिक्योरिटी सिस्टम मुहैया कर रही हैं, लेटेस्ट कर रही हैं, जिन पे लोगों का भरोसा है ठीक है. और आने वाला समय आज हो जाए, 5 साल के बाद हो जाए, 10 साल के बाद हो जाए, यही होने वाला है. यू हैव टू परचेज अ कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर पे कुछ नहीं होगा,
एक ओएस होगा, ठीक है, ओके, और एक इंटरनेट होगा, आपने खोला, इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, आपको आईडी डालें, क्लाउड से कनेक्ट हो गया, सारा चीज जो भी आप करना चाह रहे हो सब क्लाउड से हो रहा है, सिर्फ आपका कंप्यूटर क्या है, एक माध्यम बन रहा है, क्या बन जा रहा है, मीन्स, ठीक है, तो एक तरह से फायदा भी है, राइट नाउ यू आर इन इंडिया, राइट नाउ यू आर इन यूएसए, नो प्रॉब्लम, कोई काम रुक गया है, हम फोन कर दिए, आप यूएस से बैठे बैठे काम कर दिए, हो गया ना, सबको ऐसा ही चाह रहा है, ठीक है, ओके, अभी कुछ कुछ आपको मिल रही होगी, मैंने जितनी बातें बताई ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं है, कुछ हकीकत भी है जो आपको मिल रही होगी, अगर आप गूगल में अकाउंट खरीदते खोलते होंगे, क्लाउड में आप जाते होंगे, तो वो आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है वहां पे क्लाउड के जरिए, अगर किन्हीं को पता है तो कृपया हाँ बोले, गूगल डॉक्स की बात कर रहे हैं, हाँ जी, यस सर, ठीक है, क्लाउड के जरिए आपको प्रोवाइड करता है, वहीं पे आप फाइल बना लेते हैं, सेव करते हैं, क्लाउड में ही स्टोर हो जाता है, हो जाता है ना, यस सर, ये गूगल तो अपना अभी अपना दे रहा है, लेकिन वो भविष्य भी दिखा रहा है कि भविष्य यही होने वाला है, अभी 3-4 है, भविष्य में 400 हो जाएगा, और सब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप हमसे लेंगे, कुछ फ्री होगा, कुछ पेड होगा, जैसे अभी 16 GB फ्री है, फुल हो जाता है तो क्या कहता है कि आगे लेना है तो पैसा दीजिए, कहता है ना, यस सर, ठीक है, आपका मेल अकाउंट फुल हो जाता है तो कहता है पैसा दीजिए आगे एक्सटेंड करने के लिए, नहीं तो मेल हटाइए अपना, ठीक है, फोटोज वगैरह गूगल में फोटोज वगैरह सेव होता है ना, कहता है स्टोर फुल हो गया, खरीदिए, मैसेज आता है, ठीक है, नहीं तो फोटो को हटाइए वहां से, ओके, सब वन ड्राइव भी एक तरह का वही है ना सर, हाँ सब वही है, वन ड्राइव, ठीक है, वही है, सब 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 क्लाउड है टोटल चीज, ठीक है, जैसे सर आप लोग अटेंडेंस भी जो इसमें मार्क करते हैं वो, हाँ हाँ वन ड्राइव है, वो क्लाउड ही है, क्लाउड ही है, वो क्लाउड ही है, और क्लाउड में हम लोग स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं और सीधे काम यहाँ करते हैं, सेव हो जाता है कहाँ पे, सर्वर में, क्लाउड सर्वर में, ठीक है, और जो भी यूजर है लॉगिन करता है उसको अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, कर लेता है, ठीक है, तो दिस इज द बेसिक पावर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटेशन, ठीक है, और इस पे चर्चा करने का पर्पस मेरा सिर्फ ये था कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस थिंग्स ऑफ रोबोटिक्स, हम लोग को ये सोचना है, ठीक है, मतलब आज ये दिमाग में दे दिए हैं, ठीक है, और ये सोचना है कि ये जो क्लाउड कंप्यूटेशन जितनी बातें मैंने बताई, ठीक है, रोबोटिक्स भी चल रहा है, रोबोट का क्लाउड के साथ किस तरह का जुड़ाव हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट्स बनाने का है इसमें, तो एक आपके लिए एक तरह से समझिए कि एक केस स्टडी दे दिए कि हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग विल बी इफेक्टेड फॉर द रोबोट्स, ठीक है, कैसे हो सकता है, कहां कहां हो सकता है, इनमें दिमाग को दौड़ाइए, सब चीज मान लीजिए, जो नहीं भी है थोड़ी देर के लिए वो भी मान लीजिए कि क्लाउड में हो गया, क्लाउड में स्टोरेज भी मिल रहा है, सॉफ्टवेयर्स भी मिल रहा है, नेटवर्क्स भी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है उनको, ठीक है, और सब चीज मिलने के बाद एक रोबोट के साथ इसको इंटरेक्ट करके देखें तो कैसे हम रोबोट में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, इसी के लिए हमने इतनी सारी चीजें बताई, ओके, यस सर।